सर गुडविल देखो दिया महादेव सर। यूजिंग 24,000 कैपिटल एंड 6,000 हिज शेयर ऑफ यस गुडविल। सर, 6,000 है, इतना सिक्स तो थाउजेंड स्ट्रॉन्ग फैसला दिख रहा है गुडविल, प्रतीक्षा है। यस सर, दिख रहा हाँ है। सर। वो जो गुडविल है ना, वो नया पार्टनर घर से लेके आया है कैश, वो हम लोग ओल्ड पार्टनर को बांट देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय। सर हाँ नया पार्टनर जो गुडविल लाया है वो पुराने पार्टनर में क्यों बांटेंगे? हाँ मतलब गुडविल, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब देखो नया पार्टनर आया है तो बोलेगा मुझे अपने गुडविल में हिस्सा दे, बोलेगा कि नहीं। हाँ सर बोलेगा। अब जो पुराने पार्टनर है वो 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, तब जाके इतना प्रॉफिट आ रहा है, राइट है ना। तो सर इतने साल जो मेहनत किया है उसके बदले में वो गुडविल चार्ज करते हैं नए वाले को। आई बात समझ में? तो फिर नए वाले को तो सर लॉस है ना वो थोड़ा। लॉस किस कैसा है, आते ही प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट तो है। सर प्रॉफिट, सर आपने तो बोला था जो पुराना प्रॉफिट और लॉस है वो नए वाले में नहीं बढ़ता है, नया वाला क्यों बांटेगा सर? आपने तो बोला था। मैंने बोला था पुराना प्रॉफिट है ना पुराने वाले का हो गया, ठीक है, पुराना लॉस पुराने वाले का हो गया, ठीक है। यस सर। लेकिन जब नया पार्टनर एडमिट होएगा बिजनेस में तो ये वो बोलेगा भाई ये तीन बेंच तेरा है ना एक मेरा, ये तीन पंखा दो तेरा एक मेरा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा ना। हाँ सर मांगेगा तो उसका हक है, वो मांगेगा। हाँ तो जो हक मांगेगा उसमें एसेट्स में मांगेगा ना, उसके लिए वो कैपिटल लेके आएगा, उसके लिए वो कैपिटल कैपिटल। ना जो तुम्हारा एसेट्स है उसके बदले में कैपिटल लेके आया। लेकिन प्रॉफिट यस सर। समझो, उसने फर्स्ट ईयर में 10,000 कमाया, सेकेंड ईयर में 20,000 कमाया, थर्ड ईयर में 50,000 कमाया, ये किसने कमाया? ओल्ड वाले कमाया ना। यस सर। तो ये 50,000 कमाने के लिए उनको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, मार्केट में एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, ठीक है, यस नाम सर। बनाना पड़ता है ना। हाँ सर। ये सब मेहनत से गुडविल बनता है। क्या बनता है मार्केट में गुडविल गुडविल। तो दिखता नहीं है। तो भाई जब मैं पहले साल 10,000 कमाया, फिर 20,000 कमाया, फिर थर्ड ईयर में 50,000 कमा रहा हूं, तो 3 साल के बाद आ रहा है बोल रहा है मेरे को 50,000 में प्रॉफिट चाहिए, तो बोलो कुछ तो लाना पड़ेगा ना उसके लिए। यस सर सही है। हाँ तो ये जो मेहनत करके प्रॉफिट आ रहा है ना उसमें आते ही ये हिस्सेदार बन रहा है, आते ही, ठीक है। इतने पिछले साल का मेहनत किया ना ओल्ड वालों ने, उसके बदले में वो लोग गुडविल मांगते हैं, बोलते भाई इतना मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, उसके बदले में वो गुडविल दे देते, वो गुडविल लेके आता है, ठीक है। यस सर। 6,000 लाया, इन लोगों ने मेहनत बहुत किया था, दे दिया इन लोगों को 6,000 को। ओल्ड रेशियो कितना दिया, देखो इक्वल दिया है ना, तो डिवाइड कर दो, 3,000 बी को मिलेगा और 3,000 एस को मिलेगा, इक्वल मतलब हाफ हाफ होता है, मालूम है ना। यस सर। अब आते हैं हम लोग प्रोविजन। 5% वॉज मेड ऑन डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स कितना दिया, देखो बता मेरे को, दिख रहा है तुम लोगों को डेटर्स? यस सर 24,000। 24,000 डेटर है। और बोला है भाई प्रोविजन मतलब न्यू आरटीडी 5% पर निकालना है, तो 24,000 का 5% निकालो, तो कितना होता है? यस सर 2 मिनट। 24,000 मेरे को तो 1,200 आ रहा है। यस सर 1,200, बारह ठीक है, सौ तो ये 1,000 न्यू आरडीडी है, लेकिन पहले से आरडीडी 600 दिया हुआ है, देखो वहां पे प्रोविजन बैलेंस शीट में दिख रहा है क्या?
बैलेंस शीट में डेटर के नीचे लेस प्रोविजन 600, यस सर 600, ओल्ड आरडीडी बोलते हैं उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड आरडीडी। पहले 600 था, अभी 1200 हो गया, मतलब कितने से बढ़ गया, 600 टूटने का ही लॉस। न्यू आरडीडी 600 से बढ़ गया तो लॉस हुआ, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा। यस सर। अब आते हैं डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 2400। मशीनरी को डेप्रिशिएट किया है तो लॉस हुआ ना, लॉस ही होगा सर बाय डेप्रिशिएशन ना। तो यहाँ पे लिखो बाय लॉस, डेबिट में लिखते हैं टू मशीनरी, कितने का लॉस हुआ टू मशीनरी सर, डेप्रिशिएशन कितना, 2400 राइट है ना, यस सर 2400। बाय दिया रहेगा तो उतने का ही प्रॉफिट, उतने का ही लॉस। अभी आते हैं हम लोग, देखो फर्नीचर बाय 12.5%, तो फर्नीचर का अमाउंट दिया है 12,000, कितना अमाउंट दिया है 12,000 फर्नीचर का, 12,000 का इनटू 12.5 डिवाइड बाय 100 करो, इनटू 12.5 अपॉन 100, 12,000, अरे यार देखो 1500 आ रहा है सर, मेरे को अभी तक कुछ नहीं आया, 2 मिनट सर। सर मेरे को 14900 आया है। कैसे आया? मैं 12.5 बोल रहा हूँ, 12.5। यस सर, 12.5 into 200 होगा, 120 होगा ना सर, फिर आगे। हाँ 120। तो फिर सर उसका। बोल रहा था। मैं करूँ? बोर्ड पे ले। 120 into 12.5 से कर रहा तू? हाँ सही सही। तो ये पॉइंट निकालने का तो यहाँ पे जीरो डाल दे ऊपर। तो मैंने नीचे वो हटा दिया, मैंने पॉइंट हटाया नहीं। अभी यहाँ पे 0 0 5 2 10 1 5 1 5 plus 6 6000 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 4 2 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
वन, तो देखो कितना आता है, जीरो जीरो जीरो, सिक्स प्लस फोर टेन, राइट है ना? यस सर। तो जीरो हो गया यहाँ पे, वन ले लिया, टू प्लस वन फाइव, यहाँ पे वन, देखो कितना आया, 1500 आया, 120 में आया था ना, 120, बाद में एक जीरो मिटा दो, ये दो पॉइंट एंड के लिए 120 सर, जीरो क्यों बताया आपने? वो पॉइंट के बदले जीरो निकालना पड़ता है। अच्छा, तो फिर वापस वो पॉइंट आ जाएगा क्या उधर? ठीक है, तो 1500 आया, चेक कर लेना। यस सर। तो 1500 का लॉस हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर 1500। अभी आते हैं हम लोग, फर्नीचर हो गया, 20% एप्रिशिएशन विल बी डन ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग। तो असेट्स का प्राइस अप्रिशिएट मतलब बढ़ना, बढ़ना मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट, यस सर, प्रॉफिट है। आप लिखोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट कितना दिया, देखो
88,200 88,200 का 20% निकालना है। 88,200 एक जीरो मिटाओ, टू से मल्टीप्लाई करो, 4 16 1 17 6 4 0 ठीक है। जब भी 20% निकालना हो ना तो एक जीरो साइड में करो और मल्टीप्लाई बाय टू करो, आ जाएगा सीधे। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 2400 डिड नॉट अपियर इन द बुक्स नाउ रिकॉर्डेड। पहले इन्वेस्टमेंट था ही नहीं बुक्स में, किधर तो गुम हुआ था, अभी मिल गया तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं? यस सर। क्या बोला? इन्वेस्टमेंट मालूम है ना, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नहीं मालूम? यस सर मालूम है ना सर, ये प्रॉफिट हुआ सर। अनरिकॉर्डेड एसेट्स प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट है बाय इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट है देखो, इन्वेस्टमेंट 2400 का है, इधर दिया है नीचे ही, ठीक है? बेसर नीचे, हाँ। अभी इसको क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड ज्यादा है देखो, 0 4 4 plus 6 0 1 7 plus 1 8 plus 2 10 0 1 20। एक और है ना, value of stock will be 27,600। तो पहले जो स्टॉक था उसका 24,000 प्राइस था देखो। यस सर, हाँ प्रॉफिट हुआ सर। और अभी बढ़ गया तो माइनस करो 27,000 से, 20,700 से माइनस करो, 0 0 6 7 माइनस फोर कितना होता है? 3,600 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे लिखो बाय स्टॉक 3,600, वही हो जाएगा 23,640। डेबिट साइड को प्लस करो, 0 0 5 plus 4 9 plus 6 15 5 1 4 plus 1 5 sorry 2 plus 1 3 3 plus 1 4, तो 23,640 माइनस 4,500, 0 4 1 यहाँ पे 13 3 plus 13 हो गया, 3 plus 6 9 1 19,140 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो प्रॉफिट आएगा ना इसको ओल्ड पार्टनर में बांटना है। ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है? बलदेव एंड पराज। ओल्ड रेशियो क्या है? इक्वल। ओल्ड रेशियो क्या है? इक्वल है सर। तो इसको हाफ करेंगे, 19,140 को हाफ करो, 10,000 इसका हाफ 5,000, 9 का हाफ 4,500 और 140 का 7, तो कितना हो गया? तो 0 7 5 9 9 5 7 0 9 5 7 0। ये जो प्रॉफिट आया ना